हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि बाहर भी इलेक्शन का माहौल है थोड़ा बहुत, लेकिन अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है। कौन किसको वोट करेगा, कि कौन अच्छा होगा, मतलब शिवानी, लव और विशाल में वोटिंग होने वाली है, कौन किसको सपोर्ट करने वाला है। और ये जो वोटिंग हो रही है ना, बहुत बहुत वीडियोस में ऐसा बताया गया था कि शिवानी बच गई या शिवानी इलिमेंट हो जाएगी या बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर ना वो जो उन्होंने वोटिंग की है ना, उसके बारे में बता एपिसोड के अंदर बिल्कुल भी बताया नहीं गया है। जो अनिल सर आएंगे वही सबके सामने वो वोटिंग का खोलेंगे और पता चलेगा कि कौन जाने वाला है, या डबल इविक्शन होने वाला है या सिंगल इविक्शन होने वाला है। ये हमें कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। और बहुत ही सारी चीज़ें आज के एपिसोड में हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब दोस्ती में दरार आ गई, एक दूसरे के खिलाफ इतनी सारी चीज़ें बोल दी ना, बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे सारी चीज़ें बोल दी एक दूसरे के बारे में। टास्क था लेकिन टास्क तरह हुआ नहीं, बहुत बहुत चीज़ें पिछली चीज़ें निकाल दी गई जो कि अननेसेसरी चीज़ें थी, वो भी बहुत चीज़ें। लेकिन शिवानी को इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया, लेकिन शिवानी कितनी ज़्यादा पलटू है, ये सारी चीज़ें मतलब बोल बोल दी इनके दोस्तों ने उनको बहुत सारी चीज़ें। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि स्टार्टिंग में लव और विशाल का झगड़ा, मतलब थोड़ी सी नॉर्मल सी बहस होती है एक नॉर्मल चीज़ को लेके। विशाल विशाल वहाँ पे बैठा होता है और लवकेश कटारे आके उसको बोलता है, तो मतलब वो कुछ काम तो नहीं कर रहा था वहाँ पे, लेटा हुआ था, तो वहाँ पे उनकी बहस होती है। और यही अभी बहस बढ़ 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 जाती है, और ये टास्क के अंदर ये जो सब कुछ निकला ना, वो उसी का नतीजा था। फिर उसके बाद ना वो लवकेश बोलता है कि तुझे वहाँ पे पड़े पड़े खाना चाहिए क्या, ये सारी बातें वो बोलता है। और वहाँ पे विशाल बहुत भड़क जाता है, उसको बोलता है तू मुझे मत बोल, तुझे एड़ा बोला तो तुझे बुरा लगता है, तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने मत बोल, ऐसी बोलता है। तो इन लोग ये लोग जो अरमान और ये होते ना, वो उनको तो मजा आता है उनका झगड़ा देख के। तो उनके सामने ही लवकेश कटारिया उसको बोलता है ना कि तुझे पड़े पड़े सारी चीज़ें चाहिए, ये सारी बातें। फिर उसके बाद हमने देखा शिवानी की तबीयत खराब होती है, मतलब उसको इस बात का बुरा लग रहा है कि उसने जो सब्जी बनाई थी और रणवीर ने मतलब रणवीर को बोला उसने ले ले लो, लेकिन उसने ली नहीं, इसलिए उस चीज़ का उसको बुरा लग रहा है। मतलब क्या बुरा लगने का है, वो क्या थोड़े तुम्हारा भाई है या कोई और है जो तुम्हें बुरा लगेगा, नहीं ले तो नहीं ले, जाने दो छोड़ो, इतना इतनी सी बात के लिए उसको उल्टी हो रही थी, उसको फीवर आ रहा था, तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी शायद, पता नहीं। लेकिन अंदर के लोग बोल रहे थे कि वो नाटक कर रही थी, मतलब जो अंदर बैठे थे ना वो। फिर उसके बाद ना वोटिंग का टास्क आता है, जो कि इनको 2 राउंड होते हैं और उसमें उनको इंटरटेनमेंट करना होता है, और वहाँ पे ना सबको वोट अपील के लिए बोलना पड़ता है। तो ये सब लोग एक दूसरे को कन्विंस करते रहते, लेकिन शिवानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब उसका इतना ब्रेन वॉश हुआ, और वो उसका कोई एक स्टैंड नहीं था, वो जो अरमान मलिक बोल रहा था सेम टू सेम जो भी वो बोल रहा था वो सब जाके कर रही थी, पूछ रही थी, मतलब उसको ये वोटिंग के लिए ना वो बहुत मतलब एक ए टू झेड उसने उसकी सारी बातें सुन ली। वो बोल रहा था वो कर क्या, वो करेगी, वो सना को बोल क्या, बोलेगी, मतलब पूरी ऐसे कठपुतली की तरह उसके इशारों पे नाच रही थी शिवानी ने। मतलब क्या क्या कर रही थी, पूरा प्रॉपर उसका ब्रेन वॉश हो गया, उस वो पूरी की तरह से पलट गई, अपने दोस्त दोस्त को इतना सब कुछ क्या क्या बोल दिया, कैसे किस तरह से अरमान शिवानी को समझा रहा था, मतलब ऐसे मैनिपुलेट कर रहा था ना, वो हो भी रही थी। तो हमने देखा कि फिर उसके बाद ना स्टार्टिंग में विशाल आता है और एक नॉर्मल सी सबको स्पीच देनी होती है, तो वो तीनों ही एक दूसरे को स्पीच देते हैं। तो विशाल बोलता है कि जो कटारिया है ना वो हर्टफुल है, वो किसी को समझता नहीं, ऐसी सारी चीज़ें उसके बारे में बोलता है। और शिवानी के बारे में बोलता है कि वो लॉयल्टी के लायक नहीं, मतलब वो ना इधर भी जाती उधर भी जाती, उसका कोई ऐसा परफेक्ट स्टैंड नहीं होता, वो सब जगह जाती है, मतलब एक ग्रुप के लिए लॉयल नहीं, और ये बात बिल्कुल सही है। तो उसके बाद ना फिर लवकेश जाता है और वो विशाल के बारे में बोलता है कि वो मतलब जो खेल होते बिग बॉस के अंदर, उसमें उसका उतना ही इन्वॉल्व नहीं होता, वो स्पोर्टली नहीं लेता चीज़ों को, ऐसा वो विशाल के बारे में ऐसा बोलता है। और विशाल ना
इस यहाँ पर जो कटारिया बोलते हैं ना वो बहुत पिच मतलब ये कोई नेसेसरी नहीं थी, अननेसेसरी बात को वो लेके आया, जो कि वो पीछे वाली बात बोली उसने जो अरमान मलिक के साथ हुआ। और विशाल ने भी वो बात बोली थी कि जो मेरे साथ जो हुआ था ना, पहले तो विशाल ने बोली बात कि मेरे साथ जो एक इंसिडेंट हुआ वहाँ पे कटारिया ने मेरा स्टैंड नहीं लिया, ये बात अभी उसको याद आ रही और वो अभी बोल रहा था कि कटारिया ने मेरा स्टैंड नहीं लिया। लेकिन जब बात आई थी तब तुमने वो बात क्यों नहीं निकाली, क्यों वहाँ पे तुम उसके ऊपर गुस्सा नहीं हुए? अभी टास्क के लिए उसको बाहर निकाल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि उसने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, मतलब ये बात खुद निकाली बाहर तुमने, और अभी बोल रहे अभी इतने दिन से तो इतना नाटक कर रहा था कि यार मेरा दोस्त है उसको गलत फहमी हुई होगी, ये सारी बातें बोल रहा था कि अच्छा कोई बात नहीं स्टैंड नहीं, मतलब ये सारे दोस्ती फेक ही लग रहे हैं ना इस बात के। तुम्हें अभी उसको बाहर निकालने के लिए बात बोल रहे हो कि उसने मेरा स्टैंड नहीं लिया, तो तब क्यों नहीं बोला आपने? मतलब तब फेक कर रहे थे या अब फेक कर रहे हो? और उसके बाद ना कटारिया ने भी वो बात निकाली कि पहले विशाल ने निकाली उसके रेपेक्रेशन में, फिर कटारिया ने भी वो बात निकाली कि उस बारे में तुम बात कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ना दो बातें हुई थी जो मैंने एक बताई नहीं हो रही कि बताइए, ऐसा उसने बोला। और उसने वो जो बात थी ना वो भी बताई सबके सामने कि तुमने बोला था कि वहाँ पे बहुत अरमान बहुत भाग्यशाली है। और उसके बाद भी कटारिया ने भी कुछ बोला था उसके ऊपर, लेकिन वो उसने नहीं बताया क्योंकि वो खुद भी फंस सकता था, लेकिन उसने ये बोला कि तुमने बोला था अरमान बहुत भाग्यशाली है, और वहाँ पे उसने भी ये बात बोल दी। मतलब दोस्त ऐसा दोस्त किसी का नहीं हो सकता कि वहाँ वो मतलब उसको पता था कि ये बोलने के बाद झगड़ा होगा, लेकिन उसने वो बात बोल दी। और वहाँ पे उसने बोला कि विशाल बहुत ही अकड़ू है, ये सारी बातें बोली। फिर उसके बाद शिवानी के बारे में बोला कि उसको कोई टास्क समझ में नहीं आता, उसका उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता टास्क के अंदर, और वो यहाँ पर उधर मतलब सब जगह जाके बात करती रहती है, उसका कोई अपना स्टैंड नहीं होता। फिर शिवानी आती है और शिवानी तो इन दोनों के से भी ज़्यादा ऊपर, मतलब वो बोलती कि इस ग्रुप में ना हमें अरमान से बात नहीं करने देते, फिर तुम क्या छोटी बच्ची हो वो जो तुम्हें कंट्रोल करेंगे, तुम्हें खुद का स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना, तुम्हें इसे यहाँ पे पैर एक रखती हो यहाँ पे एक पैर रखती हो तो कैसे चलेगा। फिर उसके बाद बोला कि इस ग्रुप में ना सब अरमान मलिक की बुराइयाँ करते हैं, ये सारी बातें करते हैं, फिर कृतिका भाभी की और साई की बुराई करते रहते रणवीर भैया की, मतलब उसने प्रॉपर अपने दिमाग से गेम खेला कि मैं ऐसी बात बताऊंगी ना तो ये लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। वाह शिवानी। और यहाँ पे ना इन तीनों ने बहुत अपने दोस्ती रखी नहीं, इतना एक दूसरे के बारे में गंद बकी ना क्या ही बोली। उसके बाद ना अरमान और विशाल की बहस हो जाती है थोड़ी सी उस बात को लेके, लेकिन वो टास्क का एकदम ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन नॉर्मल सी हुई। फिर उसके बाद ना हम देखते हैं कि सेकेंड राउंड हो जाता है, उसके अंदर ना वहाँ पे ना मुझे विशाल का थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि उसने ना सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें की और बहुत ही अच्छे से की, लेकिन जो कटारिया था ना उसने रोस्ट किया। और मतलब इस राउंड तुम्हें उनका दिल जीतना है, तुम उनको रोस्ट करोगे तो उनको बुरा ही लगेगा, लेकिन उसने थोड़ा सा इतना ज़्यादा लेवल पे नहीं किया जो हर बार वो करता है, और वहाँ पे एकदम नॉर्मल वे में उसने रोस्ट किया। और शिवानी ने सबकी एक्टिंग की तो सबका तीनों का ओके ओके था, विशाल का सबसे अच्छा लग रहा था उसके अंदर। फिर उसके बाद ना विशाल और लोकेश कटारिया और शिवानी तीनों और मान रणवीर वहाँ सब लोग बैठे थे, वहाँ पे जाके ना अपना अपना पॉइंट रख रहे थे, मतलब उन्हें पता है अगर हम रणवीर और अरमान को कन्वेंस करेंगे ना तो बाकी भी वोट उनके पास आ जाएंगे, इसलिए वो बोल रहे थे। लेकिन ये एक दूसरे के बारे में इतनी सारी बातें बोल रहे थे ना एक टास्क के लिए, बहुत ही मतलब बहुत नीचे लेवल पे बोल रहे थे एक दूसरे के बारे में कि इतना सब कुछ बोल रहे थे कि ये ऐसा ये काम चोर है, ये कुछ अपनी ड्यूटीज नहीं करता, ये सारी बातें हमें आपके साथ बात करने नहीं देते ये दो लोग, ऐसी शिवानी बोल रही थी बहुत सारी चीज़ें। और वो जो अरमान को तो मजा लेना ही होता है, और वो शिवानी को ऐसे कठपुतली की तरह नचा रहा था, तो बोल रहा था कि बोलो तुम जाके सना मकबूल से ये सब कुछ बोलो, फिर विशाल से ये बोलो, ऐसा बोल रहा था और उसको नचा रहा था। फिर उसके बाद ना
उनकी रैली निकलने वाली थी और उसके अंदर कौन कौन जाएगा एक बात सब घर वाले फिर डिसाइड करने वाले थे कि अपनी अपनी पसंद के हिसाब से। तो वहाँ पे ना जब सना मकबूल को मतलब उसको शिवानी के साथ जाना उसको अरमान पूछता है कि तुम किसके साथ जाने वाले हो, शिवानी को जा पूछ क्या सना मकबूल से। तो जाके वो पूछती है और सना मकबूल उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली हूँ। तो वहाँ पे ना तो अरमान और रणवीर बात करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट का नारा लगाती रहती है ना कि ये शो तो एक लड़की ही जीतेगी तो अभी क्या हुआ, मतलब बात तो सही है लेकिन उसकी मर्जी, अभी क्या कह सकते, वो तीनों भी उसके दोस्त हैं ना तो क्या कह सकते। फिर उसके बाद ना शिवानी के साथ ये चार लोग जाते हैं क्योंकि उसके साथ कोई नहीं होता। नेज जाता है विशाल के साथ और लव के साथ सना मकबूल जाती है और वहाँ के नारा लगाते एक दूसरे को और बहुत ही अच्छा टास्क था, बहुत मज़ा आया, बहुत ही हंसी मजाक वाला टास्क था। उसके बाद ना फिर बिग बॉस ना वोटिंग की बारी आती है तो वहाँ पे एक एक जन जाके सब लोगों को वोटिंग करनी होती है सदस्य को बाहर निकालने के लिए। तो सब लोग जाके वोटिंग करते हैं लेकिन ना यहाँ पर कहीं भी बिग बॉस ने वोटिंग दिखाई नहीं है, एक बॉक्स के अंदर सारे वोट डाले और वो बॉक्स ना बाहर आके जो लिविंग रूम है ना वहाँ पे वो बॉक्स रखा है उसको लॉक करके वो अनिल सर के सामने ही बॉक्स खुलेगा और पता चलेगा कि किसने किसको वोट किया है और कौन फाइनली घर से बेघर होगा, इविक्शन किया, डबल होगा, सिंगल होगा, ये हमें उसी दिन हमें पता चलेगा। उसके बाद एक टास्क आता है जो सोफी का होता है, वहाँ पे दो दो लड़कियों की जोड़ी रहती है और बहुत ही अच्छा टास्क था, फन था। तो वहाँ पे ना रणवीर और अरमान जीतते हैं और वो कृतिका को हैम्पर दे देते हैं। फिर उसके बाद ना हमने देखा कि सना ना विशाल को समझा रही थी, मतलब उस जो भी सब सना को बोल रही थी कि तू ना बहुत ही, मतलब विशाल को बोल रही थी कि तू कामचोर तो है, वो कटारिया बस तेरे को बोल रहा था कि जाके अपना अपना काम कर ले, लेकिन तुमने उसको बहुत ही अलग वे में लिया। विशाल बोल रहा था कि मुझे सबके सामने क्यों उसने बोला, उसका भी पॉइंट सही था, सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था। कटारिया ना मजाक में बहुत ज़्यादा ओवर करता है सम पॉइंट में। उसके बाद सना मकबूल और शिवानी के बारे में हमने देखा और वहाँ पे ना शिवानी आई थी अरमान से चाबी भर के, उस अरमान ने अच्छी तरह से उसे चाबी भरी थी और बाहर आके सना मकबूल से पूछ रही थी कि तुमने हमारे साथ क्यों नहीं दिया, तुम बोलते हो कि फेमिनिस्ट। शिवानी का मुद्दा सही था, सारी बातें सही थी लेकिन वो बोल रही थी अरमान के कहने पर, वो बहुत ही था। और सना ने भी उसको बहुत अच्छे से आंसर दिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तीनों भी उसके दोस्त थे और वहाँ पे वो किसी का भी साथ दे तो क्या फर्क पड़ता है। और वहाँ आज के एपिसोड में ये सब कुछ हुआ लेकिन अभी कल के एपिसोड में, सैटरडे के एपिसोड में देखना बहुत अच्छा होगा क्यों इनमें से किसका कौन बेघर हो जाता है तीनों में से, या डबल इविक्शन होता है, सिंगल इविक्शन होता है, बहुत ही मतलब खतरनाक है। तीनों भी टॉप फाइव के सदस्य है तो इनमें से कौन घर के बाहर जाता है कौन नहीं पता नहीं अभी। तो इन आप तीनों इनमें से किसी के फैन हो तो उनको वोट करना मत भूलना। और आज के एपिसोड में आपको क्या लगता है, शिवानी और लव और कटारिया में से किसने ज़्यादा अपने दोस्त के बारे में बहुत बुरी चीज़ें बोली है इन तीनों में से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।